गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पेयर में। दोस्तों ये हमारे पास 180 लीटर का एलजी का फ्रिज है, इसकी आज हम जाली चेंज करेंगे। दोस्तों ये कंडेंसर कोइल बोल लो या इसकी जाली बोल लो, दोस्तों ये आज हम इसकी चेंज करेंगे। ये हमारे पास 8 बैंड की जाली है दोस्तों, गिन सकते हो आप इसको। इसको लगाने से पहले हम इस चीज़ इन बातों का ध्यान रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आप देख सकते हैं 8 बैंड है। और हमने ये नई जाली लेके आए हैं गाइज, हम इस नई जाली में भी आप देख सकते हो 8 बैंड हमें मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाइज जैसा देख के देख सकते हो 8 बैंड ये भी, 8 बैंड ये भी है। अब हम इसे लगा देंगे दोस्तों। इसको लगाने का पर्पज ये है कि इसके अंदर बार बार गैस चोकिंग की समस्या आ जा रही है दोस्तों, और बार बार गैस चोक हो जा रही है, इसके वास्ते हम इस जाली को बदल रहे हैं दोस्त। अगर जाली बदलने के और भी कारण होते, कई बार ऐसा हो जाता है जाली से लीकेज हो जाती है, जाली फट जाता है हमारा फ्रिज को ऊपर चढ़ाते समय, तो उस दौरान भी हम जाली को बदलते हैं। तो गाइज जब हम इसे बदलते हैं, पुरानी वाली हम उतारेंगे नहीं, इसी के ऊपर नई वाली चढ़ा देंगे टाई बेल्ट की सहायता से। गाइज वीडियो में दिखाता हूँ आपको। गाइज जब जाली बदलने के लिए देख सकते हो आप, ये हमारी जाली बॉडी के अंदर गई है। तो कई बार नए टेक्नीशियन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बॉडी के अंदर गई है तो इसका क्या काम होगा, अब ये कैसे होगा। तो दोस्तों आज मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहला तो ये कंप्रेसर की तरफ लगा होता है, ये जैसा कि आप देख सकते हो कंडेंसर कोइल, ये कंप्रेसर की तरफ लगा हुआ है। हम इसका यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, नई वाली डाल देंगे। और दूसरा जो हमारा ये होता है, दूसरा पाइप इसका दूसरा, वो हमारे ड्रायर में लगा होता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप ड्रायर में, ये पहले यहाँ से बॉडी के अंदर गई हुई है और वापस यहाँ से बॉडी के अंदर से ये निकल रहा है दूसरी तरफ से, और ये हमारे ड्रायर में चली गई है। इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको अंदर ही रह देंगे, अंदर ही रहने देंगे और इसको काट के यहीं से छोड़ देंगे। और नई वाली में जब हम लगाएंगे तो एक हमारी कंप्रेसर में यहाँ लग जाएगा, दूसरा ये हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। यहाँ से पाइप काट लिया है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो ये पाइप यहाँ अंदर जा रहा था यहाँ, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप मैंने इसको गर्म करके निकाला है, जो कंप्रेसर के अंदर लगता है दोस्तों, गर्म करके हमने निकाल लिया। पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसी के ऊपर नई जाली लगाने वाले दोस्तों, लेकिन अभी हमारा आइडिया चेंज हो गया है। हम ये जाली पहले निकालेंगे गाइज, उसके बाद नई जाली अच्छी तरीके से फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो नई जाली निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, इस लॉक को हम खोलेंगे, सीधा कर देंगे, ये निकल जाता है बाहर जैसा कि आप देख सकते हो। इधर ये देख सकते हो आप, ये टेढ़ा है, इसको हम प्लास की सहायता से सीधा कर देंगे गाइज, और ये हमारा लॉक निकल जाएगा गाइज। थोड़ा सा और करने की जरूरत है। तो गाइज इस तरीके से हम अपनी जाली बाहर निकाल देंगे और नई जाली ठीक इसी तरीके से लगा देंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जाली बदल दी है, ये हमने जाली लगा दी है दोस्तों, ये नई वाली जाली लगाई है हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पाइप हमने कैसे फिटिंग किया दोस्तों। ये नया पाइप है जो कि हमने, जरा देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने कंप्रेसर में फिटिंग कर दिया है। इसकी दूसरी पाइप जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ ड्रायर के साथ फिल्टर के साथ लगा दिया दोस्तों। अब हम इसकी कैपलरी लगाने से पहले गाइज इसके अंदर एंटी मोस्ट डालेंगे दोस्तों। एंटी मोस्ट डालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। एंटी मोस्ट डालने से पहले आपको इस फ्रिज चालू करनी पड़ती है, और एक जो हमारी सक्शन लाइन होती है उसको अपने हाथों से रोकना होता है, ताकि ये यहाँ से एंटी मोस्ट खींच सके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। हम इसके अंदर एंटी मोस्ट इसलिए डाल रहे क्योंकि इसके अंदर चोकिंग की समस्या थी दोस्तों, वो समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हमने जाली तो बदल ही दी है, अब हमारा फाइनल स्टेज रह गया एंटी मोस्ट डालना गाइज। आप इसके अंदर 2, 3, 4, 5 डाल सकते हैं एंटी मोस्ट, उसमें कोई समस्या नहीं है गाइज। अब हम इसके अंदर एंटी मोस्ट डाल चुके हैं, अब हम इसकी कैपिलरी लगा देंगे और इसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। फ्रिज बंद कर दे आप फिर उसके बाद एंटी मोस्ट डालने के बाद, और इसकी वेल्डिंग करने के बाद हम दोस्तों इसके अंदर गैस डाल देंगे। गैस डालना भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सो गाइज अब हमने ये जाली वेल्डिंग कर दी है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके साथ ही साथ ये भी कैपलरी भी लगा दिया गाइज। अब हम इसके अंदर लीकेज चेक करेंगे दोस्तों, कहीं हमने जो वेल्डिंग की है कहीं उनमें से कहीं लीकेज तो नहीं है गाइज। तो हमने इसके लिए 100 प्रेशर डाल दिया है इसके अंदर। फ्रिज में हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते गाइज, आप 100 प्रेशर ही डालें, ज़्यादा न डालें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीजर भी फटने की समस्या हो सकती है गाइज। तो अब हम लीकेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। लीकेज चेक करके इसमें गैस डाले, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वेल्डिंग कर दिए, हो सकता है किसी भी वेल्डिंग में हल्की सी भी अगर संभावना है लीकेज हो सकती, तो हमें रिकम्प्लेन का सामना करना पड़ सकता है गाइज, उसके बाद ही गैस डाले। अभी हमने लीकेज तो चेक कर ली दोस्तों, लीकेज में तो कोई समस्या नहीं है गाइज। अब हम इसकी वैक्यूम करते हैं और इसके अंदर गैस डालते हैं दोस्तों। गाइज हमने लीकेज चेक करने के बाद इसके अंदर वैक्यूम कर दिया दोस्तों, इसका हमने वैक्यूम कर दिया गाइज। वैक्यूम करेंगे तो आपके प्रेशर पर ये देख सकते हो आप, 0 से नीचे चला जाता है ये हमारा मीटर,
तो समझिए वैक्यूम हमारी पूरी सक्सेस हो चुकी है। अगर आप किसी चीज़ से कर रहे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपका वैक्यूम हुआ है नहीं हुआ। मैं तो कंप्रेसर कट से करता हूँ दोस्तों, तो कंप्रेसर से मुझे आसानी से पता चल जाता है कि वैक्यूम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे दोस्तों। गैस चार्ज करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल भी लेना है ताकि हमारे पाइप का हवा निकल जाए दोस्तों बाहर। हमने इसे थोड़ा सा ढीला करके यहाँ से गैस निकाल दी हल्की फुल्की, ताकि पाइप की जो हवा है वो भी बाहर निकल जाए दोस्तों। अब हम इसके अंदर प्रेशर डालेंगे दोस्तों, गैस डालेंगे सॉरी। 134 का गैस है इसके अंदर, 134 का प्रेशर, रनिंग प्रेशर 10 होता है दोस्तों, 8 से 10 प्रेशर। अभी हम इसके अंदर गैस डालेंगे गाइज। 40 प्रेशर हमने इसमें अभी स्टैंडिंग प्रेशर में डाल दिया दोस्तों, 40 प्रेशर गैस डाल दिया हमने फ्रिज बंद करके। उसके बाद हमने अभी फ्रिज चालू किया है, तो आप देख सकते हो फ्रिज चालू करने के बाद प्रेशर हमारा डाउन हो गया है, 0 से नीचे जा रहा है। फिर हम इसके अंदर अब धीरे धीरे गैस डालेंगे और इसको 10 प्रेशर करेंगे गाइज। तो गाइज इसी तरीके से हमें 10 प्रेशर गैस डाल देनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।